हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ऐसी कुछ आदतें बताने जा रही हूँ जिन्हें अगर आप छोड़ देंगे, जिन आदतों का अगर आप त्याग कर देंगे तो आप जीवन में सुखी रहेंगे, आपको कभी भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जीवन को सुखद और सफल बनाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि मनुष्य अनजाने में ही कोई ऐसा काम कर जाए जो उसे नहीं करना चाहिए तो उसे उसका फल भोगना ही पड़ता है। तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनका आपको त्याग करना चाहिए। राग, अत्यधिक प्रेम। जीवन में किसी भी बात की अति बुरी होती है। किसी से भी अत्यधिक या हद से ज़्यादा प्रेम करना गलत ही होता है। बहुत ज़्यादा प्रेम की वजह से हम सही और गलत की पहचान भूल जाते हैं। कई बार बहुत अधिक प्रेम की वजह से मनुष्य अधर्म तक कर जाता है, जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य ने किया। गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि कौरव अधर्मी है, लेकिन फिर भी गुरु द्रोणाचार्य जीवन भर पुत्र प्रेम में पड़कर अधर्म का साथ देते रहे। जलन, जो मनुष्य दूसरों के प्रति अपने मन में जलन की भावना रखता है वह निश्चित ही पापी, छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला होता है। वह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जलन की भावना रखने वाले के लिए सही गलत के पैमाने नहीं होते, जैसे कि दुर्योधन। दुर्योधन पांडवों की वीरता और प्रसिद्धि से जलता था। इसी जलन की वजह से दुर्योधन ने जीवन भर पांडवों का बुरा करने की कोशिश की और अंत में वो अपने कुल का नाश करवा बैठा। मद यानी कि अहंकार। सामाजिक जीवन में सभी के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। हर व्यक्ति को उन सीमाओं का हमेशा पालन भी करना चाहिए, लेकिन नशा करने वाले मनुष्य के लिए कोई सीमा नहीं होती। नशा करने या शराब पीने के बाद उसे अच्छे और बुरे की कोई भी खबर नहीं रहती। मद का एक अर्थ अहंकार है। अहंकार के कारण इंसान कभी दूसरों की सलाह नहीं मानता, अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, दूसरों का सम्मान भी नहीं करता। ऐसे व्यक्ति अपने परिवार और दोस्तों को कष्ट पहुंचाने वाले ही होते हैं। मोह यानी कि लगाव। सभी को किसी न किसी वस्तु या व्यक्ति से लगाव होता है। यह मनुष्य के स्वभाव में शामिल होता है, परंतु किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक मोह यानी कि बर्बादी का कारण बन जाता है। किसी से भी बहुत ज़्यादा लगाव होने पर भी व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर पाता। उसके हर काम में उसका साथ देने लगता है, जिसकी वजह से कई बार नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। रोष यानी कि क्रोध। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध में मनुष्य अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति का स्वभाव गुस्से वाला होता है वह बिना सोच विचार के किसी का भी बुरा कर सकता है। क्रोध की वजह से मनुष्य का स्वभाव दानव के समान हो जाता है। क्रोध में किए गए कामों की वजह से बाद में शर्मिंदा भी होना पड़ता है और कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस आदत को छोड़ देना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कि किन आदतों का आपको त्याग करना चाहिए। अगर आप उनका त्याग नहीं करेंगे तो आपको नुकसान अवश्य ही झेलने पड़ेंगे। अगर आपके अंदर भी इस तरह की कोई भी बुरी आदत है तो इसे आप छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके इसका त्याग कर दें, आपके लिए वही बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको एक जानकारी दी है। अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर अवश्य कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।